और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मुंबई में कोरोना का कितना भयंकर विस्फोट हुआ है। जी हां, आज मुंबई में 15,166 कोरोना केसेस आए। मंगलवार को मुंबई में 10,860 केस आए थे, मतलब यह हुआ कि एक ही दिन में सीधे 5,000 केस मुंबई में बढ़ गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुंबई में आज कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को पार कर गया, मतलब दूसरी लहर में मुंबई में सबसे ज्यादा जितने भी केस आए थे आज वो पीछे छूट गए। हम आपको यह भी बता दें कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि अगर मुंबई के 20,000 से ज्यादा केस मिलते हैं और मुंबई में 20,000 से ज्यादा केस आने शुरू हो जाएंगे तो उसी दिन से हम मुंबई में लॉकडाउन लगा देंगे। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिला कर रख दिया है। कोरोना ने एक बार फिर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दस्तक दी है। कोरोना के चलते एक बार फिर से अमिताभ बच्चन परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला है। बिग बी के घर में कुल 31 स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से एक कर्मचारी को कोरोना निकला। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में कोविड के हालात से गुजर रहा हूं और बाद में संपर्क साधूंगा। हम आपको बता दें कि 2020 में 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें मुंबई के विले पार्ले में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके चार दिन बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो गया था। उन्हें भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से अमिताभ बच्चन के दोनों बंगले प्रतीक्षा और जलसा में काम करने वाले लोगों को रूटीन कोरोना जांच कराई जाती है और तीसरी लहर में फिर से बच्चन के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। मुंबई में कोरोना का कहर इस तरह से समझिए, शिवसेना के नेता संजय राउत का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संजय राउत की मां, पत्नी, बेटी और भतीजी को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में डॉक्टर्स के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जेजे अस्पताल में 61 रेजिडेंसी डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल में 50 डॉक्टर्स, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर्स, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।